हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्रिंकल विद स्ने। तो आज हम बनाने वाले हैं मलाई कोफ्ता। ये डिश देखने में जितनी टेस्टी लग रही है ना, उसे कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी होती है। कोफ्ते जो होते हैं बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट होते हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, जो एक रिच क्रीमी ग्रेवी में डिप होते हैं। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, उसमें डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में कटे हुए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सारी चीज़ों को तब तक स्टर करेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 छोटे साइज़ के टमाटर और अब डालेंगे इसमें 10 से 12 काजू। अब इन्हें तब तक चलाते रहना है जब तक ये गल ना जाए, मैशी ना होने लग जाए। तो यहाँ पे टमाटर हैं वो गलने लग गए हैं, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। कोफ्ता बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं, तो यहाँ पे आलू थे, मैंने बॉईल करने के बाद इसे ठंडा कर लिया है और इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर, तो ये अच्छी तरह से ठंडे हो गए। और फ्रिज में रखने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि जब आलू को हम ठंडा कर लेते हैं तो उसका मॉइस्चर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा आलू में तो कोफ्ते जो हैं वो कीले बनेंगे और फिर टूटने लगेंगे। यहाँ पे मैंने पनीर लिया है 200 ग्राम के करीब। पनीर को मैंने रफली हाथों से मैश कर लिया है और अब इसमें डालेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अब इसमें डालेंगे मैदा जो बाइंडिंग के लिए यूज़ होगा। अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है ना आलू और पनीर के अंदर तो मैदा ज़्यादा डालना पड़ता है और फिर मैदे का टेस्ट काफ़ी आता है, इसीलिए आलू को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका मॉइस्चर कम हो और हम कम से कम मैदा ऐड करें। तो आप अपने हिसाब से मैदा डालें जितनी ज़रूरत हो। तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से बाइंड होने लगा है, तो हमें और मैदा ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से डो तैयार कर लेना है, उसके बाद हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो आप चाहें तो नॉर्मल कोफ्ते भी बना सकते हैं बिना स्टफिंग के, लेकिन यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्टफिंग करके। स्टफिंग वाले कोफ्ते बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, इसमें काजुओं का क्रंच, किशमिश की मिठास और हरी मिर्चों का जो तीखापन आता है वो कोफ्तों को और भी ज़्यादा डिलीशियस बना देता है। तो यहाँ पे मैंने चॉप करे हुए काजू और किशमिश ऐड किए हैं। अब इस तरह से बंद कर देना है और एक राउंड शेप दे देना है कोफ्तों को। अब इसे हम हथेलियों की मदद से चिकना कर लेंगे और एक एक करके सारे बॉल आपको इसी तरह से बना लेने हैं। और जब सारे बॉल बन जाए तो हम इसमें मैदे की कोटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा मैदा जो है वो डस्ट ऑफ कर लेंगे इस तरह से। एक एक करके सारे बॉल्स को इसी तरह से कोट कर लेना है। और यहाँ पे सारे हमारे जो कोफ्ता बॉल्स हैं रेडी हो गए। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे 15 मिनट के लिए ताकि ये सेट हो जाए। फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ा लें तो ये जल्दी सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने कोटिंग की थी मैदा की, वो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से चिपक गई है। तो एक एक करके जो कोफ्ते हैं हम ऐड करेंगे। तो अगर कोफ्ते टूटते हैं तो तेल सारा ख़राब हो जाता है, तेल सारा वेस्ट हो जाता है, इसलिए पहले एक कोफ्ता डाल के चेक कर लेंगे कि कहीं टूट तो नहीं रहा। अगर टूट रहा है तो आप दोबारा से उसमें थोड़ा मैदा डाल के फिर से उसकी बाइंडिंग कर लें। तो अब यहाँ पे एक एक करके हम सारे कोफ्ते डाल देंगे। तो इन कोफ्तों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो ये कोफ्ते ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, अगर आप स्टील वगैरह का स्पैचुला यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान से करिए, नहीं तो ये कोफ्ते इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि टूटने लगते हैं। आप चाहें तो इसे चम्मच की हेल्प से भी पलट सकते हैं। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते कितने अच्छे से बनके तैयार हो गए, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इनका। तो सारे कोफ्तों को इस तरह से निकाल लेना है। और यहाँ पे देखिए सेकंड बैच है जिसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा था मैदा कोट करने के बाद। तो ये ऊपर की कोटिंग है वो तेल में घुलने लगती है, कोफ्ते टूटते नहीं हैं पर जब मैदा घुलता है तेल में तो तेल ख़राब होने लगता है।
और यहाँ पे जो हमने प्याज वगैरह फ्राई करके रखे थे वो सारा कुछ हम अब ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए और इस तरह से एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो बहुत लोग छानते भी हैं इस ग्रेवी को, लेकिन ये पेस्ट मुझे ऑलरेडी इतना ज़्यादा क्रीमी लग रहा है कि मुझे छानने की ज़रूरत नहीं लग रही। यहाँ पे कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब तेल लेंगे, 1 बड़ा चम्मच बटर लिया है। बटर जब अच्छे से पिघल जाए तो ये जो हमने ग्राइंड किया था पेस्ट उसे ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक अब इसे लगातार चलाते रहना है। जब ये थोड़ा ड्राई हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता। तो अगर आप चाहें तो इसमें तीखी वाली जो लाल मिर्च आती है वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें डालें नमक और इसे चलाते रहेंगे, और जब तक इसे चलाते रहना है जब तक कि इसमें से तेल ना सेपरेट होने लग जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी है वो गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और अब इसमें से तेल भी नीचे से बॉटम से दिखना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध और 1 कप पानी। तो आधा हिस्सा दूध डालना है, आधा हिस्सा पानी डालना है। इससे दूध डालने से ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनती है, थिक बनती है। एक बार जब ग्रेवी में बॉयल आ जाए तो अब हम उसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, फ्रेश क्रीम। तो क्रीम की क्वांटिटी मैं कम रख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने दूध डाला हुआ है। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम स्किप कर सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे चलाना है, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है। तो अब हम मलाई कोफ्तों को सर्व करेंगे। तो पहले एक बोल में मैंने कोफ्ते निकाल लिए हैं और उसके ऊपर से ग्रेवी डालेंगे। तो सारे कोफ्ते डिप करके नहीं रखने हैं ग्रेवी में, ये मलाई कोफ्ते इतने सॉफ्ट होते हैं ज़्यादा देर तक आप इन्हें ग्रेवी में रखेंगे तो ये टूट सकते हैं। तो जब भी इसे आपको सर्व करना है तभी आप इसे ग्रेवी में डिप करें। और उसके बाद हम हल्की सी गार्निशिंग करेंगे फ्रेश क्रीम से, इससे और अच्छा लुक आ जाएगा कोफ्तों का। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग से गार्निशिंग की है क्रीम की, आप चाहें तो स्पून से भी कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कसूरी मेथी जिसको मैंने रोस्ट करके क्रश कर लिया था। इसके ऊपर हरे धनिया से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोफ्तों को सर्व कर रहे हों ग्रेवी गर्म होनी चाहिए ताकि कोफ्ते ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर सकें। तो अब हम कोफ्तों को अंदर से कट करके देखते हैं कि अंदर से कोफ्ते कैसे बने हैं। तो अंदर से भी ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन है इस रेसिपी में, क्रीमीनेस का, पनीर का, स्टफिंग का, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके रेसिपी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। तो जब ये आप रेसिपी बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कितनी अच्छी बनती है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ और ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।